वेलकम बैक माई YouTube फैमिली, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, माई नेम इज राशिद। और जैसा कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप पावर पिवट को सीख रहे हैं, और आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं जो हमारा लास्ट क्वार्टर है उसकी सेल्स को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम जो लास्ट क्वार्टर है उसकी सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट और कैलकुलेट करना है मैंने टोटल सेल्स मैंने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट क्वार्टर। उसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो है डेट एड, और डेट एड को जो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड होती है वो डेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस वन का मतलब है कि मैंने एक क्वार्टर पीछे जाना है। और उसके बाद यहाँ मैं मेंशन करूंगा क्वार्टर पैरेंथेसिस क्लोज प्रेस इंटर, ये 1000 सेपरेटर को सिलेक्ट करूंगा और एक डेसिमल क्लोज कर दूंगा मैं। ये मेरी हो गई लास्ट क्वार्टर सेल्स। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा इसका वेरियंस, लास्ट क्वार्टर वेरियंस। इसमें आ जाएगा जी टोटल सेल्स माइनस लास्ट क्वार्टर सेल्स कोमा स्टाइल और एक डेसिमल क्लोज कर दूंगा मैं। और उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ मैं जो मेरी टोटल सेल्स हैं उनको मैं डिवाइड कर दूंगा लास्ट क्वार्टर की सेल्स पे और माइनस वन कर दूंगा उसमें से। इसके लिए मैं जो ये परसेंटेज है इसकी सिलेक्शन करूंगा और जो मेरे डेसिमल्स हैं उनको दोनों को मैं रिमूव कर दूंगा। पिवट टेबल एक नई रिपोर्ट में ड्रॉ करूंगा। ये मेरा एपिसोड नंबर 19 है। सबसे पहले जो मेरी ये सेल्स है इसमें से मैं टोटल सेल्स, लास्ट क्वार्टर सेल्स, लास्ट क्वार्टर वेरिएंस और लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज इनकी सिलेक्शन कर लूंगा। उसके बाद मैं कैलेंडर में आ जाऊंगा और कैलेंडर में जो मेरा ईयर है वो आ जाएगा रो में, उसके बाद क्वार्टर आ जाएंगे रो में और जो मेरा मंथ है वो मेरा रो में आ जाएगा। डिजाइन डू नॉट शो सब टोटल्स और रिपोर्ट लेआउट में शो इन टेबुलर एंड रिपीट ऑल आइटम्स। अब अगर मैं यहाँ पे जो मेरा ईयर 2022 है उसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करता हूँ तो इसको हमने रीड किस तरह से करना है, ये हमारा क्वार्टर वन है और ये हमारी क्वार्टर वन की सेल्स है, ये हमारा क्वार्टर टू है और क्वार्टर टू में जो पहले महीने की सेल है वो 213, मई में 280, जून में 316 की सेल्स है, और जो प्रीवियस क्वार्टर है यानी कि जो प्रीवियस क्वार्टर है उसकी सेल्स ये वाली सेल्स यहाँ पे आ रही है, और अप्रैल जो है वो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से 27% के डिक्लाइन में है, यानी कि 80 कार्टन्स का डिक्लाइन है। तो ये रिपोर्ट को आपने इस तरह से रिव्यू करना है। अगर मैं ये क्वार्टर थ्री की बात करता हूँ यहाँ पे, तो अब देखें ये क्वार्टर थ्री की ये जो लास्ट क्वार्टर की सेल्स है वो ये वाली सेल्स यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज और लास्ट क्वार्टर वेरियंस भी आ रहा है। सो आज के इस एपिसोड में हमने देखना था कि जो लास्ट क्वार्टर है उसकी सेल्स को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वेरियंस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परसेंटेज जो है उसको कैसे कैलकुलेट करना है और किस तरह से हमने अपने डेटा को एनालाइज करना है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। होप्स हो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे आगे बात करेंगे।